नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मांडा विला के प्लांट के बारे में। और देखिए, मेरा मांडा विला 3 साल पुराना प्लांट है और इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है और प्लांट भी देखिए अनहेल्थी दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट आ गया है, लीफ सब येलो हो रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, गमले से न्यूट्रिएंट्स ले लेके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, तो इसे रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। तो नया मिट्टी थोड़ा और गोबर का खाद थोड़ा ऐड करेंगे इसमें। तो ये सब करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मांडा विला एक हैवी ब्लूमर होता है और ये देखिए एक एक फूल आया है, एक एक फूल से कुछ नहीं होता है, गुच्छों में आता है और पूरा गमला भर जाता है आपका। और ऐसे अगर फूल आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इंग्लिश में मैं भी लिख रहा हूँ, तो जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो वहाँ से समझ लीजिएगा। पहले आप खुरपी के मदद से मिट्टी को हल्का कर लीजिए, क्योंकि सॉइल हार्ड हो जाता है और निकालने में बहुत मुश्किल होता है गमले से। और ऐसे साइड साइड से अगर इससे आप हल्का कर देंगे तो बहुत आसानी से ये निकल आएगा रूट बॉल के साथ। ऐसे ऊपर से खींचिए मत इसको, खींचेंगे तो रूट डैमेज होगा। और रूट को अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो ऐसे पलट दीजिए इसको, लेकिन आपका प्लांट डैमेज नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ आपको ये करना पड़ेगा। और देखिए पूरा मिट्टी आ गया है गमले से, और गमले का मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए, नहीं तो आप पानी दे दीजिएगा और 2 घंटे के बाद ये कीजिएगा। और देखिए नीचे का मैं कुछ सॉइल निकाल लूँगा, लेकिन रूट बाउंड का कुछ भी सिम्टम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गया है गमले से। और वीड्स कुछ कुछ है उसे मैं हटा देता हूँ। अगर बड़ा रूट दिखे तो आप रूट को भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे रूट प्रूनिंग नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। और गमले का ड्रेनेज होल देखिए, ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कीजिए आप, और वहाँ अगर कुछ फंस गया है तो उसे आप साफ़ कर दीजिए। और ड्रेनेज होल के ऊपर मैं कुछ चारकोल रख दूँगा, कोयला जो आता है, लकड़ी का कोयला है। आप कोयला नहीं है तो गमले का टूटा हुआ टुकड़ा भी दे सकते हैं इसके ऊपर। और आप अगर नया ग्रोअर हैं तो पोटिंग मिक्स में बता देता हूँ, सैंडी सॉइल लीजिए 50%, कोकोपीट 20%, और फर्मी कंपोस्ट या काउ मैन्यूअर कुछ भी मिले वो आप ऐड कर लीजिए 30%। और गोबर का खाद आपका पुराना होना चाहिए, ये देखिए मेरा जैसा है, पूरा पाउडर जैसा रहना चाहिए, नया वाला मत लीजिए। और जो आपका गमले का पुराना मिट्टी है उसके साथ इसको मिला लीजिए। अच्छा, मीडिया आपका वेल ड्रेन्ड और पोरस रहना चाहिए। और मीडिया को और पोरस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कोकोपीट ऐड कर देंगे। और मैं देखिए मेरा पुराना गमले में ये सब कर रहा हूँ इसीलिए इसको मिला रहा हूँ, लेकिन पॉटिंग मिक्स जो मैं बताया उसे आप लेते हैं तो ये सब ऐड करना नहीं पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये सैंड और कोकोपीट मिक्स है, और गोबर के खाद के साथ इसको मिला देता हूँ मैं अच्छे से, और बहुत बढ़िया मीडिया बन गया है मेरा, रूट ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा आएगा और पानी भी फटाफट से ट्रेंड हो जाएगा। ऐसे ही मीडिया आप बनाइए मांडा विला के लिए, इसका रूट ग्रोथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। और पुराना मिट्टी जो है मैं ऊपरी हिस्से में दे दूंगा और रूट को सब कवर कर दूंगा और थोड़ा प्रेस कर दूंगा, एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए। रूट का मैं प्रूनिंग नहीं किया हूं तो मेरा प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। अगर आप रूट प्रूनिंग करते हैं तो थोड़ा एप्सम सॉल्ट मिला लीजिएगा, इसमें से प्लांट शॉक में नहीं जाता है एप्सम सॉल्ट मिलाने पर। लेकिन मैं तो रूट प्रूनिंग नहीं किया हूँ इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस इसमें वाटरिंग कर दूँगा। और ऐसा एक स्टिक लीजिए, स्टिक का सपोर्ट ज़रूरी होता है क्योंकि ये भाइन जैसा होता है, और प्लांट को आप सपोर्ट दीजिए और किसी भी रस्सी या सुतली से इसको बांध दीजिए तो प्लांट आपका और हिलेगा नहीं। और कभी कभी क्या होता है, ब्रांच भी टूट जाता है ये नीचे झुक कर। तो अभी आपका सब काम ख़त्म हो गया है, अभी आपको जो डेड ब्रांच है उसे हटाना है। ये देखिए बहुत सूखा हुआ ब्रांच है, ये अनहेल्थी ब्रांच जो दिखे आप उसे काट दीजिए। और जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए या फिर कुछ अनवांटेड ब्रांच है उसे आप हटा दीजिए। और ब्रांच बहुत सारा है देखिए, फूल जब आएगा इसमें फूलों से भर जाएगा, और इसका वीडियो भी मैं दिखाऊँगा आपको। बहुत सारा सूखा हुआ ब्रांच भी रह गया है, जहाँ पे फूल ख़त्म होता है वहाँ पे अक्सर देखा जाता है डेड हेड सब, और
उसको काटने पर ग्रोथ बहुत अच्छा आता है, और ये काम आप कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक इम्पोर्टेंट काम है, येलो पत्ता जो है उन अनहेल्थी पत्ते को सब हटा दीजिए, वो किसी काम का नहीं है, खाना भी नहीं बना सकता। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा थोड़ा मस्टर्ड केक पाउडर और बोन मील, और इसमें मिला हुआ है DAP, ये आप ऑप्शनल है, ये आप 15 दिन के बाद देने पर भी चलेगा, लेकिन मैं अभी कर दूंगा क्योंकि मेरा रूट सिस्टम बहुत अच्छा है प्लांट का, और फर्टिलाइज़र देने पर बहुत अच्छा रहेगा। और पानी दे देना है आपको क्योंकि एयर पॉकेट सब ख़त्म हो जाए, और इसे आप इवनिंग को ही कीजिए ताकि रात को रूट सेट हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह मैं मांडा विला का केयर करता हूँ, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।